सो हेलो एंड वेलकम गाइज इन टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक इशू। और गाइज आ गया हूँ वापस एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये एसके सबीर बंडल का मैंने पहना हुआ है। मतलब मैं बताता हूँ, देखो हेयर अभी मैंने पहना हुआ है, फिर टी शर्ट पहना हुआ है, शूज़ भी आपको दिखने को मिल रहे हैं, और इसका पैंट और इसका स्कार्फ वो भी आपको मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा आपको बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने जो जो पहना है वही देखने को मिलेगा। मेरे पास इसके अभी कपड़े नहीं हैं जो इसके बंडल के लिए फुल चाहिए होते हैं, तो वो कपड़े अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बंडल अभी आपको फुल दिखाता। तो अभी दिखाता हूँ आपको ये किससे किससे एक्सचेंज हुआ है और किसके बदले में आपको इसका स्कार्फ देखने को मिलेगा, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक मिनट भाई, हाँ तो यहाँ पे मैं अपना वॉल्ट में आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके जो बाल हैं वो इस वाले टोपी से एक्सचेंज हो गए हैं, जो आपको FF टोकन में अवेलेबल है। देख सकते हो ये रहा, बहुत सही देखने में लगता है। फिर इसका जो शर्ट है वो, तो ये आपका प्रिजनर वाला से जो हुआ है उससे एक्सचेंज हुआ है, ये भी आपको FF टोकन में अवेलेबल है, ठीक है। और इसका पैंट मैंने LC कमांडर वाला ले लिया था, क्योंकि इसका पैंट मेरे पास नहीं है। बाकी आप कोई भी पहना दो, सब इस पर शूट करता है, मगर LC कमांडर वाला एकदम मतलब ओरिजिनल से मैच खा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसके शूज़ है, शूज़ आपको ये मोटरसाइकिल बंडल वाले याद है, शूज़ मोटरसाइकिल बंडल के बदले इसके शूज़ रिप्लेस हुए हैं। देख सकते हो काफ़ी सही देखने में लग रहे हैं, मोटरसाइकिल बंडल के बदले में इसका शूज़ है। और जो इसका स्कार्फ है, जी हाँ गाइज, अब सबसे मेन वाला स्कार्फ जो अभी मेरे पास नहीं है, वो आपका एक्सचेंज हुआ। एक पिंक रंग का एक चश्मा आता होगा, सनग्लास जैसा अभी मैंने पहना हुआ है, ऐसा ही मतलब एक पिंक रंग का या पर्पल या जैसा भी है आपके पास, अगर कोई भी पिंक विंग का चश्मा होगा तो वो आप पहना के देखना, वो आपका एशियन या एशियन स्कार्फ से आपका बदल गया है, ठीक है। सो गाइज अभी आपको SK सबीर का मैंने फुल बंडल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको आपको डाउनलोड करने का प्रोसेस, मतलब कैसे आपको अपने गेम में यूज़ करना है, इसका प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइज आज के वीडियो का लाइक एम हम लोग रखते हैं 300 लाइक्स का, प्लीज़ कंप्लीट कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और बिना किसी देरी के चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइज डिस्क्रिप्शन पे आपको SK सबीर बंडल बाय शुभ और ZArchiver सॉफ्टवेयर दोनों की लिंक मिल जाएगी। आपको पहले ZArchiver सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, फिर आपको SK सबीर बंडल को डाउनलोड करना है, ठीक है। दोनों को डाउनलोड करने के बाद पहले आपको ZArchiver को डाउनलोड करना है, बाद में SK सबीर वाले को। तो आप जब SK सबीर वाले को खोलोगे तो वहाँ पे पूछेगा आपको कि किससे खोलना है बंडल को, तो आपको ZArchiver सॉफ्टवेयर से इसको खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद इस पर वन टैप करना है, ठीक है। वन टैप करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन पर क्लिक किया, पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड है T और S, सब दोनों कैपिटल है, बहुत छोटा सा पासवर्ड है, देख सकते हो ये है। फिर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको ये गेम एसेट बंडल नाम का एक फोल्डर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर ज़ोर से टैप करना है, तो यहाँ पे कट कॉपी का ऑप्शन आता है, तो आपको जो करना है, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। फिर जहाँ पे मेरा BPack लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मेरा BPack लिखा हुआ है वहाँ पे आपका कुछ और लिखा हुआ हो सकता है, डाउनलोड्स लिखा हुआ होगा शायद से, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको डिवाइस मेमोरी पे क्लिक करना है, अब आपको सेम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ ज़्यादा हो गया, तो आपको एक बार एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, फिर डाटा पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको com.dts.freefire नाम का फोल्डर मिलेगा डाटा के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आपको वही मिलेगा। तो सेम com.dts.freefire नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है, फिर इसके अंदर फाइल्स को ओपन करना है, फिर कंटेंट कैचे, फिर ऑप्शनल, फिर एंड्रॉयड, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर रिप्लेस को पूछे तो रिप्लेस कर देना है, यहाँ रिप्लेस, तो हो गया गाइज। अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो उसी के लिए। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे, तो आपको उसको कहाँ करना है, com.dts.freefire के अंदर आपको फाइल्स में जाके फिर कंटेंट कैचे में, फिर ऑप्शनल में, फिर एंड्रॉयड, और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड्रॉयड के अंदर। सो गाइज उसके बाद ये आपका 100% वर्किंग है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।